2016 का साल था जब मैं खुद नजीब के साथ जेएनयू पढ़ने आई थी, और 2016 में नजीब की बैचमेट थी जब मैं इंटरनेशनल स्टडीज में पढ़ने आई थी। लेकिन 2016 के अक्टूबर महीने में 14 तारीख को नजीब के साथ क्या होता है, कई यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आए भी हैं, शायद आपको पता नहीं होगा। वाइस चांसलर 2016 में आए, उसके बाद एक घटना 16 में हुआ कि कुछ लोग नजीब के रूम में आके माही मांडवी हॉस्टल में नजीब को मारते हैं, पीटते हैं, और वहाँ पे सिक्योरिटी जो गार्ड्स थे वो देखते रहे, नजीब को बेरहमी से तरीके से पीटा जाता है। उसके बाद वो कोई एक्शन नहीं लेते हैं। नजीब का सिर्फ एक मांग था कि मुझे अम्मी के पास जाना है, और वो भी बार बार नजीब बोलता रहा कि मुझे अम्मी के पास जाना है। 8.5 घंटे का एक जर्नी करके अगले दिन कैंपस पहुंचते हैं और नजीब के रूम में आते हैं, और आके देखते हैं नजीब नहीं है। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा और फिर हम लोग सब ढूंढने लग जाते कि नजीब कहाँ है, और फिर पता चलता है कि आई सब कुछ और सब धोखेबाज है जो यहाँ बोल रहे हैं कि बार बार सुरक्षा के लिए गृह मंत्री है, होम मिनिस्ट्री है, जो देश का सुरक्षा करना चाहता है, वो आज नेशनल कैपिटल में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो जेएनयू है उसके अंदर एक साथी को मार पीट के गायब कर दिया जाता है, और आज वो साथी हमारे बीच में नहीं है, और उसको ढूंढ के लाने की कोई भी कोशिश सीबीआई, दिल्ली पुलिस और वाइस चांसलर नहीं करता है, और उसको इस मन से हम कंडेम करना चाहते हैं। और ये संघर्ष जेएनयू में जो शुरू हुआ था वो रास्ते में आया है, और ये संघर्ष आने वाले टाइम में होम मिनिस्ट्री, सांसद, हर जगह जाएगा, क्योंकि हमारे साथी नजीब को ये होम मिनिस्ट्री को इंश्योर करना पड़ेगा कि वो वापस लाएंगे। कल हमने जेएनयू के अंदर भी अम्मी के साथ मार्च किया कैंपस के। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।